एक छोटा सा मैसेज देने के लिए यहाँ पर आए हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनु। तो अभी बहुत दिनों से बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है लखनीत को लेकर। लखनीत, लखन, नीतू, भम्मू, पाई, सैंडी, कैंडी, कीर्ति, सब में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कभी कोई कुछ बोल रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। पर लेकिन सच्चाई क्या है, किसने क्या बोला? कभी कोई कह रहा है लखन ने ऐसा बोला, भम्मू ने ऐसा बोला, पाई ने ऐसा बोला, सास बहू एंड ऑल दैट। लोग इतने नल्ले हैं, वेले पड़े हुए हैं कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो चीज़ नहीं भी चल रही उसको भी बेमतलब का अफवाह फैला रहे हैं कोई यार। तो गाइज, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज फाइनली लखन ने क्या बोला। मैं आपको क्लिप ऐड कर रही हूँ, आप वो देखो कि लखन ने एग्जैक्टली क्या बोला है। आप सबको पता है यार, अलग अलग लड़ाइयाँ चल रही है सोशल मीडिया पे, बट मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता बिल्कुल भी। मेरे बारे में बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप अपनी साइड से कुछ बोलो, अपना पक्ष रखो, आपको इनडायरेक्टली ये बोला गया, इनडायरेक्टली वो बोला गया। बट यार नहीं, मैं इस रेस का हिस्सा नहीं हूँ, तो सॉरी। आप मेरे को हारा हुआ मान सकते हैं, जीता हुआ मान सकते हैं, क्योंकि मेरे को इतना समझ आ चुका है कि ये जो लड़ाई है ना, इसको अगर मैं जीत भी गया तो भी ना ज़िंदगी मेरी हार हो जाएगी। तो यार अपनों से क्या जीतना। ठीक है, जिसको जो समझ आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर मैं ठीक हूँ तो एक टाइम पर रियलाइज़ ज़रूर होगा। और चीज़ें तो ठीक हो ही जाती हैं, देखो कोई दुश्मनी नहीं होती कभी भी किसी से। जानता हूँ आज टाइम थोड़ा अलग है, आज हो सकता है बहुत बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स मिलके कोई ऐसा परसेप्शन मेरा बन गया हो या नीतू का बन गया हो, बट दुश्मन नहीं यार, अपने अपने ही रहेंगे। इट्स ओके, अप डाउन होता रहता है लाइफ में। लेकिन अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कोई अपना वर्जन सुनाऊं या कुछ चीज़ अपनी साइड से बोलूं, तो वो सब नहीं होने वाला। देखो लाइफ में हर किसी से गलतियां होती हैं, मेरे से भी हुई होंगी, जिसकी वजह से शायद लोग डिसअपॉइंटेड हों मेरे से, या बहुत सारी चीज़ें जो आजकल चल रही हैं हो सकता है उसका रिजल्ट हो, हो सकता है किसी और ने भी कुछ किया हो, बट इट्स ओके यार। आफ्टर ऑल चीज़ें रिजॉल्व नहीं होने वाली ऐसे अगर मैं कैमरा पे आके कुछ बोलूं किसी को। मौका मिला तो मैं जाके बोलूंगा, कन्फ्रंट करूंगा सामने से, आई गेस वो ज़्यादा सेंस भी बनता है, क्योंकि यहाँ मैं बेचारा बन जाऊं, मैं अपनी कोई साइड की स्टोरी सुनाऊं और मैं लोगों से सिंपति भी लूं, तो क्या आफ्टर ऑल उससे होगा क्या? ऐसा तो नहीं ना कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी उससे। कि जिससे कुछ दिक्कत है उससे जाके बोलूँगा मैं, अगर मौका मिला तो मैं बोलूँगा डायरेक्टली जाके, बट मैं इस सब का पार्ट नहीं हूँ यार, क्योंकि ऐसी लड़ाई मेरे को नहीं लड़नी भाई। मुझे पता है हमने महाभारत पढ़ी, कैसे अर्जुना अपने खुद के घर वालों के अगेंस्ट लड़ने के लिए तत्पर नहीं थे बिल्कुल भी, तो श्री कृष्ण ने उनको समझाया, उनसे गांडीव उठवाया, उनसे फाइट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। लेकिन शायद भगवान श्री कृष्ण भी आ जाएं तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं नहीं लड़ने वाला ये वाली लड़ाई है। अपनों से लड़के अपनों से जीत के क्या मिलेगा? वो जीत के खुश हैं तो इट्स ओके, मैं भी खुश हूँ। आपको कुछ और भी मेरे बारे में बोलना है आप बोलो, आपको ठंडक मिलती है, आपको लगता है कि आपका गुस्सा निकल जाएगा, तो इट्स ठीक, मतलब इट्स ओके यार, ठीक है आप करो। और जितने भी नल्ले लोग हैं, अपने घर में रहो, काम से काम मतलब रखो, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नल्लो।